दोस्तों आज हम 2.1 होम थिएटर किट की वायरिंग करना सीखेंगे। ये वाला होम थिएटर जो किट आप देख रहे हैं अदर होम थिएटर किट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्ड होता है। असल में मैं आपको बताऊं तो इस कनेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी वायरिंग थोड़ा सा मैं कहूँगा हार्ड होती है। अगर आप बिना इसके नॉलेज के अगर इसकी वायरिंग करते हैं या फिर कोई गलती करते हैं तो इसकी किट ख़राब होने के चांसेस 90% होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इसकी वायरिंग कर सकते हैं। बहुत इजी वायरिंग है, अगर आप एक बार अच्छी तरीके से देखेंगे तो वायरिंग करना भी सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको इस तरह की टिप्स ट्रिक्स हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो होम थिएटर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 12012 से ऑपरेट होता है, जैसा कि इस जगह पर मेंशन है। तो यहाँ पर आप 12012 के वायर को कनेक्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर से जो तीन वायर रखी हैं, एक 12 वोल्ट और एक 12 वोल्ट के और बीच में जीरो की वायर आप कनेक्ट करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम स्पीकर कहाँ से आउटपुट करें और बेस ट्रेबल वगैरह जो है कहाँ से लें। अब सबसे पहले आपको बता दूँ यहाँ पर जो आपको कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला स्पीकर के यहाँ पर दिख रहे हैं ना SP, तो यहाँ से आप स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप तीन यहाँ पर बीच में आपको लेग दिख रही है, तो ठीक है मैं बता देता हूँ, एक लेफ़्ट की है और दूसरी राइट की है और बीच की ग्राउंड की है। दोनों का ग्राउंड आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ़्ट का स्पीकर है और ये राइट का स्पीकर आप मान के चलिए। एग्जांपल के लिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, तो एक वायर आप यहाँ कनेक्ट कीजिए और एक वायर यहाँ पर कनेक्ट कीजिए और एक ग्राउंड पे और दूसरी ग्राउंड पे, ठीक है। तो दोनों का स्पीकर का ग्राउंड यहाँ पर बीच में आ जाएगा, बाकी ये और ये लेफ्ट राइट का है, ठीक है। अब ये तो होगी आपके स्पीकर के कनेक्शन। अब बात करते हैं वूफर के कनेक्शन की। ये दो इस कनेक्टर पर आप जो देख रहे हैं दो पिन, ये वूफर के स्पीकर की है। तो यहाँ पर आप वूफर का स्पीकर आप कनेक्ट कर सकते हैं एक पिन और दूसरी पिन पे, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट भी किया है, वूफर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों पिन पे आप वूफर का आप कनेक्शन कर सकते हैं। अब वहाँ पर ओम और इंच पूछेंगे काफ़ी सारे लोग, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अच्छे खासे बेस वाले स्पीकर का भी यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा वहाँ पर बेस आपको देगा। लगभग मैं आपको 10-20 इंच का भी रिकमेंड करता हूँ, अगर अच्छा खासा है तो आप चला सकते हैं। अब वहीं पर जो बेस का जो वॉल्यूम लगेगा आपका, यहाँ पर बेस के लिए स्पेशल अलग जो वॉल्यूम लगता है, यहाँ पर आप कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से पोटेंशियोमीटर आपका रहेगा। चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बना देता हूँ। तो ये पोटेंशियोमीटर को इस तरीके से बना रखा है, यहाँ पर तीन पिन है। तो जैसे यहाँ पर देखिए बेस का ऊपर दे रखा है तीन पिन, जैसे कि बेस में ऊपर दे रखी ना तीन पिन, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए बेस का कनेक्टर है, तो तीन पिन बेस के कनेक्टर में दी हुई है, देख सकते हैं आप। बेस के कनेक्टर में वहाँ पर तीन पिन हमें देखने को मिलती हैं, तो एक पिन को वॉल्यूम के एक पिन पे, दूसरी को दूसरे पे, तीसरे को तीसरे पे, इस तरीके से आप जोड़ लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम जो आपका पोटेंशियोमीटर रहेगा उसका पोजीशन कुछ ऐसा रहेगा। तो ऐसे ही आपने ऊपर वूफर के कनेक्टर से वॉल्यूम के स्विच को जोड़ लेना है। ये जो स्विच रहेगा ये बेस को कंट्रोल करेगा, बेस को कम ज़्यादा करने का काम करेगा। तो हमने यहाँ पर तीन चीज़ों के कनेक्शन सीख लिए हैं। पहला है 12012, ये तो आप देख कर ही पता कर लेंगे, और दूसरा है SP, बोले तो स्पीकर आपको बता दिया। तीन पिन जो हैं, एक लेफ्ट की और एक राइट की, और लेफ्ट राइट का स्पीकर से एक एक जो ग्राउंड का आएगा वो बीच में आप कनेक्ट कर लेंगे। दोनों का ग्राउंड यहाँ पर कॉमन है। और तीसरा जो आपको बता दिया वूफर का, वूफर के लिए ये वाला कनेक्टर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं दो पिन जिसमें है, तो वहाँ पर वूफर का स्पीकर लगेगा। और नेक्स्ट जो वूफर का जो आपका बेस का कंट्रोल स्विच लगेगा वो आपको मैंने बता दिया, तीन पिन जो है, वैसे जस्ट आप वॉल्यूम स्विच के तीन पिन पर वैसे आप कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे करके नहीं, इस तरीके से ऐसे फ्रंट रहेगा और ऐसे करके इसको कनेक्ट करेंगे, तीन पिन में इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब बारी आती है यहाँ पर हम वॉल्यूम कंट्रोल कहाँ पे कनेक्ट करें और आपका AUX इनपुट कहाँ पे कनेक्ट करें। देखिए बहुत ही सिंपल है, इस कनेक्टर में आपका सिर्फ दो ही पिन आपके काम पे आएंगी, जो आप AUX इनपुट करेंगे सिर्फ वही। वॉल्यूम जो आपका स्विच रहेगा वो बाहर पे को आपका कनेक्ट होगा, वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ। इसमें दो पिन कौन सी कनेक्ट होंगी, चलिए मैं बताऊँ इसको। चलिए पहले मैं एक कनेक्टर का यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टर का एक डायग्राम बना लिया है, जैसा कि इसकी पोजीशन है बिल्कुल जस्ट वैसे ही बना लिया है। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ, मैं ट्रैक करना बता देता हूँ कि आपने AUX इनपुट कहाँ से ट्रैक करना है। देखिए इसकी जो फर्स्ट की और फोर्थ नंबर की पिन रहेगी वो AUX इनपुट की रहेगी। फर्स्ट पिन आपको बता देता हूँ, चलिए आपको ट्रैक करना भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो स्पीकर की ICs हैं वो हैं ये वाली और ये वाली, बोले तो ये और ये, और ये IC जो है आपके बेस को
बेस को कंट्रोल करती है, इससे अटैच रहती है 4558 से, ये वाली ऐसी अटैच रहती है, ये बेस के स्पीकर की है। कभी भी आपका बेस नहीं आता तो इन दोनों ऐसी का फॉल्ट यहाँ पर आप मान के चलिए, इनको आपने चेंज करना है पहले तो इसको, फिर इसको। ये रिपेयरिंग का जो मैं अगले स्टेप पर बनाऊँगा अगले, अगर आप कमेंट करेंगे तो। बाकी ये दो ऐसी होती है लेफ्ट राइट की होती है, तो यहाँ पर इन ऐसीज की आप पहले पहले नंबर की आप पिन को उठा लीजिए, वही AUX इनपुट की रहती है। तो यहाँ से ये जो है पहले नंबर की पिन है, तो यहाँ पर इस तरीके से उल्टा करेंगे तो ये पहले नंबर की पिन आ जाएगी, ठीक है, ये इनपुट की रहती है। तो पहले नंबर की पिन पर एक कैपेसिटर अटैच्ड होगा और उस कैपेसिटर का एक लेग आपका यहाँ पर कनेक्टर से अटैच होगा। मैंने आपको बताया था ये जो IC है ये वाली, इसके पहले नंबर की पिन को आप पकड़ लीजिए ये वाला। तो यहाँ से ट्रैक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर लगा है, उल्टा करके देखेंगे तो ये 50 वोल्ट का और 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। तो उस कैपेसिटर की एक लेग है इस कनेक्टर के पहले वाली सॉरी लास्ट वाली पिन से अटैच्ड है, लास्ट बोले तो इस तरफ। तो ये जो लास्ट वाली पिन है ये रहेगा आपका राइट का, ये लास्ट वाली पिन ये वाली, ठीक है। अब हम दूसरे वाले इस वाली IC के फर्स्ट पिन को हम ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके फर्स्ट पिन को आप ट्रैक करेंगे, आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस फर्स्ट पिन को ट्रैक करेंगे यहाँ पर इस कैपेसिटर से, अब इसकी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ 50 वोल्ट 1 माइक्रोफेरेड की, जैसे कि इस कैपेसिटर में लिखा हुआ था 50 वोल्ट 1 माइक्रोफेरेड, तो वैल्यू भी बता दी आपको 50 वोल्ट 1 माइक्रोफेरेड। अब उसकी दूसरी लेग कहाँ से अटैच्ड है, किस मतलब कनेक्टर के किस पिन से अटैच्ड है, तो इस IC की जो लेग निकली हुई है कैपेसिटर से होते हुए मतलब इस कनेक्टर के कौन से वाले लेग में अटैच्ड है वो देखना है, वही हमारा लेफ्ट का इनपुट होगा। तो यहाँ से निकली हुई यहाँ से कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है, जैसे कि उल्टा करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक जम्पर है, जम्पर से होते हुए यहाँ से यहाँ तक होते हुए ये देखिए कौन से यहाँ से दूसरे नंबर की पिन पर कनेक्टेड है, क्योंकि ये दूसरे नंबर की पिन यहाँ से हम गिनेंगे, तो यहाँ से देखिए ये दूसरे नंबर की पिन पर कनेक्टेड है। तो ये हमारा लेफ्ट का, ये दूसरे नंबर की पिन लेफ्ट की है इनपुट। तो आप समझ गए होंगे कि यही दो पिन हमारी काम पे आने वाली है, बाकी यहाँ पर 1, 3, 4 ये पिन किसी काम की नहीं है, 1, 3, 4 किसी काम की नहीं है, बस यहाँ पर आपकी दूसरी और पांचवें नंबर की पिन आपके काम की है। दूसरे पांचवे बोले तो आपने इस तरीके से रखना है, और उसके बाद यहाँ से दूसरे नंबर की पिन और लास्ट की जो पिन है आपके वही इनपुट की लेफ्ट और राइट की रहेगी। अब यहाँ पर इसमें वॉल्यूम के एक स्विच आपको कैसे कनेक्ट करना है, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक वॉल्यूम का स्विच बना देता हूँ, इसमें ये मतलब डुअल चैनल का वॉल्यूम स्विच है, तो क्योंकि हमने लेफ्ट राइट के कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी प्रोब है, मतलब इस तरीके से वॉल्यूम स्विच की पोजिशन रहेगी, ठीक है। तो आपने इस वॉल्यूम स्विच से बीच बीच मतलब ये वाला वायर उठाना है, ये देना है इधर पे, और ये वाला वायर उठाना है आपने, दे देना इधर पे, समझ गए। बीच का वायर उठाना है आपने, एक वायर उठा के आपने इस किट के कनेक्टर के दूसरे नंबर पे दे देना है, और वहीं पर इस तरफ का ये दो चैनल है ना, एक लेफ्ट का आपने उठाना है तो कनेक्टर के दूसरे में दे देना है। फिर आपने राइट का उठाना है, ये दो चैनल है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो राइट का उठाना है इस कनेक्टर के लास्ट वाले में कनेक्ट कर देना, बीच बीच का, ठीक है। अब रही पहले वाले नंबर के पिन की बारी, ये है इनपुट। अब आप AUX जोड़ेंगे, जैसे AUX में आप यही वाला कनेक्टर ले लीजिए या ब्लूटूथ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वहाँ से निकलेंगे तीन तार, एक लेफ्ट का एक राइट का एक ग्राउंड का। जैसे यहाँ पर मैं एक कनेक्टर बना देता हूँ, चलिए यह कनेक्टर मैंने बना लिया है, तो यहाँ से हमारे तीन तार निकलेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। एक निकलेगा हमारा राइट का, एक निकलेगा लेफ्ट का, और एक निकलेगा हमारा ग्राउंड का। तो लेफ्ट वाला आपने वॉल्यूम स्विच के इस तरफ जोड़ लेना है, राइट वाला इस तरफ जोड़ लेना है, और बचा ग्राउंड का, तो ग्राउंड का आपने वॉल्यूम स्विच के लास्ट में जोड़ लेना है, ठीक है। अब वहाँ से वॉल्यूम स्विच के लास्ट से एक और वायर उठेगी और इस बोर्ड में ग्राउंड पे जाएगी। इस बोर्ड में ग्राउंड कौन सा है आपको बता देता हूँ, इस बोर्ड में ग्राउंड है ये वाला, ये जो बाहरी बार जो पट्टी हमारी आ रही है ना, ये ग्राउंड की है, ठीक है, ये वाली पट्टी पूरी ग्राउंड की है। तो इस वॉल्यूम स्विच के लास्ट से एक वायर उठेगा, इसके ग्राउंड पे चले जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम स्विच के लास्ट का जो होता है ग्राउंड का रहता है, और बीच का रहता है आउटपुट का, और ये रहता है इनपुट का, पहला वाला पिन। आपने
पहले वाले पिन पे लेफ्ट और राइट को इनपुट कर दिया है और वहीं से हमारा ये बीच से उठा और ये कनेक्टर के पहले और सॉरी कनेक्टर के दूसरे और पांचवें नंबर पे चला गया है। ठीक है, बाकी कनेक्टर के जो फर्स्ट तीसरी और चौथी लेग है इसमें हमने कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो चलिए इस तरीके से आप इसके कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो चलिए मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कनेक्टर बना लेता हूँ जो कि उस बोर्ड पर लगा हुआ था, इस तरीके से उसमें कटा हुआ है एक तरफ को, एक दो तीन चार और पांच, उसमें आपकी पॉइंट है, पांच उसमें पॉइंट है। सिर्फ हमारे जो पॉइंट्स का काम है वो है दूसरा और पांचवें नंबर का। अब यहाँ पर एक वॉल्यूम स्विच को हम लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लगा लिया है वॉल्यूम स्विच। वॉल्यूम स्विच का जो बीच का हिस्सा रहेगा उसमें से एक एक वायर उठेगी, एक लेफ्ट की एक राइट की, वो यहाँ पर कनेक्टर में चली जाएगी दूसरे और पांचवें नंबर पे। एक वायर यहाँ से उठी हमारी, ये दूसरे पे चलेगी, एक वायर यहाँ से उठी हमारी इधर पे चले गई। और यहाँ पर ये चीज़ ग्राउंड से, एक मिनट थोड़ा सा इधर से हम कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से। अब वॉल्यूम स्विच में कितनी बची है, ये कनेक्टर के कनेक्शन हमारे वॉल्यूम स्विच से हो गए हैं। अब वॉल्यूम स्विच में क्या क्या बची हैं, दो फर्स्ट की मिन बची है, दो लास्ट की, लास्ट की यहाँ पर ग्राउंड की, दोनों को आपस में मिला लेंगे और ये हम उठा लेंगे। ये है ग्राउंड की हमारी, ये इस बोर्ड पे, इस बाहर की पट्टी में अटैच्ड हो जाएगी। इस बोर्ड के बाहर की पट्टी में आप इसको अटैच कर लीजिए, बोर्ड में इसको हमने अटैच कर लिया है ग्राउंड पे। अब बात आई इनपुट की, ये हमारा ऑडियो जैक है, ऑडियो जैक मान के चलिए, आप ब्लूटूथ भी लगा सकते हैं उसमें, कुछ भी हो आप लगाइए, ऑडियो जैक है। यहाँ से हमारी तीन वायर हमारी आ रही हैं, एक लेफ्ट की और एक राइट की और एक ग्राउंड की। तो यहाँ से चलिए इन दोनों को मैं लेफ्ट राइट मान लेता हूँ, ये इस बाहर वाली को ग्राउंड मान लेता हूँ। तो लेफ्ट वाली हमारी जाएगी इस पे, राइट वाली जाएगी हमारी इस पे, लेफ्ट और इसको मान के चलिए राइट, और ये जो ग्राउंड की हमारी निकली है ये जाएगी हमारी वॉल्यूम स्विच के लास्ट वाले में, इससे कनेक्टेड हो जाएगी। इस तरीके से इसके कनेक्शन होने हैं। यहाँ पर आप ये वाला ऑडियो जैक लगाइए या फिर कुछ भी लगाइए, जहाँ से हमारा ऑडियो इनपुट होती है, ब्लूटूथ से भी होती है, किट से भी होती है, उसके तीन वायर जो आउटपुट के हैं वो वॉल्यूम स्विच में दो कनेक्ट हो जाएंगे, ग्राउंड का लास्ट में कनेक्ट होके ये बोर्ड के बाहर पे लग जाएगा। इस तरीके से इसके वायरिंग होनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको पसंद मेरा मेथड कैसा लगा, जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक, तब तक के लिए टेक केयर।